मैं आज भी दो स्टॉक्स दूंगा जो आप कल 23 सितंबर को अपडेट कर सकते हैं। मैंने कल भी दो स्टॉक दिया था, आज के लिए 22 सितंबर के लिए मैंने रिलायंस और TCS दिया था। दोनों को मैंने सेल करने दिया था। आप देख सकते हो ओवरऑल रिलायंस 23 रुपीज़ डाउन है। मैंने रिलायंस पर टारगेट जो दिया था वो 2480 की थी। अप्रॉक्स 30 रुपीज़ का रिलायंस पर मैंने टारगेट दिया था जो कि अचीव हो गया। टारगेट इसने अचीव कर दिया और इसने जो लो लगाया वो 72 का। तो रिलायंस में टारगेट हिट हो गई है। और दूसरा जो है वो है TCS। मैंने TCS को सेल करने दिया था। TCS जो है सेलिंग आई थी उसमें भी, बट ओवरऑल लास्ट में जो निफ्टी ने जब ड्रैग अप किया, आई मीन ऊपर आई, तो उसने TCS को भी उसने अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो बट इतनी भी कोई खास अप ट्रेंड नहीं आई TCS में। ओवरऑल 600 रुपीज़ आई। मैंने इसमें सेल करने दिया था, बट इसमें जो मैंने टारगेट दिया था वो 2950 का दिया था, बट इसने जो लो लगाया वो 80 रुपीज़ का अप्रॉक्स में। इसमें भी 30 रुपीज़ की फॉल आई थी। तो TCS ओवरऑल इसने इसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया होगा, बट रिलायंस में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। तो मैं आज भी दो स्टॉक्स दूंगा जो कल ट्रेड कर सकते हैं। एक है HDFC और दूसरा है मारुति। मारुति जो है वो ओवरऑल जो है भी ऑल टाइम हाई पे है, और HDFC जो है वो मैं HDFC को आपको सेल करना है और मारुति को आपको बाई करना है। तो चलिए चलते हैं मारुति सुजुकी की चार्ट पे। ये देखिए, ये है मारुति सुजुकी की चार्ट और आप इसे कल बाई करेंगे क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स है। मारुति सुजुकी आज की जो मोमेंटम है 153 रुपीज़ है और HDFC में जो 43 है। तो आप मारुति सुजुकी को आप बाई करेंगे। मारुति सुजुकी को आप बाई करना है, आप मारुति को बाई करना है और HDFC को आपको सेल करना है। तो आपकी टारगेट क्या होगी? वो अप्रॉक्स में 100 रुपीज़ होगी मारुति में। आप जो आपके आप अपनी टारगेट 9500 रखेंगे और आप स्टॉप लॉस जस्ट 30 रुपीज़ का देंगे, 9350 और स्टॉप लॉस आपकी जो टारगेट होगी वो 9500 होगी। और HDFC जो है आपको सेल करना है और आपकी जो टारगेट होगी वो 2390 रुपीज़ होगी। अप्रॉक्स में 26 रुपीज़ की टारगेट होगी आपका। आपकी जो स्टॉप लॉस है वो 2425 होगी। तो 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देना है और टारगेट जो है वो 30 रुपीज़ का आपको HDFC में लेनी है। और मारुति को आपको बाई करना है क्योंकि ये स्टॉक्स जो है ऑल टाइम हाई पे है। ये आप देख सकते हैं इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। इसकी जो प्रीवियस हाई थी वो फेब में थी और वो थी 9048 और अभी वो 9401 पे है। तो मारुति सुजुकी को आपको बाई करना है और HDFC को आपको सेल करना है इस 200 मूविंग एवरेज तक के लिए। थैंक यू।